आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मुझा प्यारा शागिर्द शागिर्दानी, अस्सलाम वालेकुम। मां तवाजी सिंधी टीचर मिस सना सुमरो तां सागर हाजिर आया। उम्मीद आवे त तमा सब खैरियत सा हुंदो ए पेंजो डाडो ख्याल भी रखंदा हुंदो, छो के सर्दी इलाही आए। अच्छा मुखे यो बुदायो के हाने तां घर में वेही सिर्फ मोबाइल ता हलायो या पांजी पढ़ाई ते भी फोकस ता कयो, छोके मोबाइल जो असर बुरो भी आए ए सुठो भी आए। इन्हीं करे के बुरो इन्हीं लाए आए ता गेम ता खेडो, पबजी ता खेडो, टिकटॉक ता ठायो, वडी वडे वडा थी वया आयो ना, हाने अठे में अची वया आयो, त ये सब ता केंदा हुंदा। सुठो असर इन्हीं लाए आए मोबाइल जो, माशाल्लाह सा ऑनलाइन स्टडीज हलन थी, असा जो ऑनलाइन स्टडीज ते अमल ता कयो। तो बियो इयो त अज असा जो आहे पा सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जिंदगी जे मुताबिक इयो पढ़दा से के उन्हें जो पांजे दुश्मनन सा किया सलूक हुयो, केड़ो रवैयो रखंदा होया पांजे वडन सा, नंढन सा, पांजे प्यारन सा, दुश्मनन सा किया हलदा होया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल का दौर ऐसा आ गया है कि आप जरा सा किसी को बोलेंगे ना, वो फौरन बुरा लग जाएगा, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। कुछ अम्मी कहती हैं, बाबा कहते हैं, तो फौरन आप लोग चिड़चिड़ापन तो दिखाते होंगे, अम्मी कर लेंगे ना, बाबा कर लेंगे, करते होंगे ना ऐसे। ऐसे बेटा नहीं करना है, अपने माँ बाप के साथ, अपने बड़ों के साथ, इवन अपने छोटे बच्चों के साथ भी, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ आपको हुस्ने सुलूक से पेश आना है, जैसे हमारे प्यारे नबी ने किया। किस तरह कुरैश के लोगों ने तकलीफें पहुंचाई, आप पे पत्थर बरसाए, लहूलुहान किया, बहुत सी तकलीफें दी, रास्ता रोक देते थे, लूट लेते थे, उन्हें तरह तरह की तकलीफें देते थे, पर आपने क्या किया, सबर किया, दरगुजर किया और अपना रवैया जो है बिल्कुल मोहब्बत और प्यार और हमदर्दी वाला रहा। ठीक है, तो आज का हमारा जो सबक है आपके लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें वाकयात भी आएंगे। तो हमारे सबक का नाम है पार सगोरन जो पेंजे दुश्मनन सा वर्ताओ। सा वर्ताओ, पेंजे दुश्मनन सा वर्ताओ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने दुश्मनों के साथ सुलूक। वर्ताओ का क्या मतलब है, सुलूक रवैया। ओपन योर बुक्स पेज नंबर 3। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला जा आखिरी नबी आहिन, पाण सगोरन अल्लाह जो जेको पैगाम आंदो उहो हर कौम में हर जमाने लाए आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खिते लाए ना, बल्कि सजे आलम लाए रहमत बन जी आया होया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम जो आपको अल्लाह ताला ने अपना दिया हुआ पैगाम भेजा, आप अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, तो अल्लाह ताला ने अपना दिया हुआ पैगाम जो आपके जरिए दुनिया में भेजा वो एक कौम या एक जमाने के लिए नहीं है, आप तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं। पाँच सगोरन के जै जैन मानन तकलीफ़ों डिनियो उन्हें के बा कड़े बदवान डिनऊ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे कतर दुश्मनन के बा माफ़ फरमायो। अहिड़ा केतिरा ही वाक़िया तारीख़ में लिखियल आहिनि, हिते इन 10 में ब वाक़िया तव्हांजे आड़े पेश कयां थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने तकलीफें पहुंचाई, पर आपने उन लोगों को कभी भी बद्दुआ नहीं दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कट्टर दुश्मनन के, यानी जानी दुश्मन, कट्टर का मतलब है जानी, जानी दुश्मनों को भी माफ़ फरमा दिया। ऐसे कितने ही वाक़यात आपको तारीख में लिखे हुए मिलेंगे। अभी जो है फिलहाल 2 ऐसे मशहूर वाक़या आपके सामने पेश करेंगे। खैबर की एक यहूदी औरत ज़ैनब बिनते हारिस गोश में जहर विझी पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खारायो। इन्हीं यहूदी औरत पंहिंजो डोबा क़बूल कयो, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औरत के माफ़ फरमायो। खैबर की एक यहूदी औरत थी काफरा, जो आपको जो है खाने पे उन्होंने दावत दी थी ज़ैनब बिनते हारिस ने, और उसने जो है वो गोश्त में जहर डाल के आपको दे दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिला दिया था,
ये वाकया आपको तारीख में मिलेगा कि उस गोश ने गवाही दी थी कि या रसूल अल्लाह मुझे ये मत खाइए आप, मुझ में जहर है, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक लुकमा ले चुके थे। यहूदी औरत ने अपना गुनाह जो है कबूल कर लिया और फिर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को माफ़ फरमा दिया। हिकरे मेरे जी गाल आए था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक यहूदी ज़ैद बिन सानिया जो कर्ज दियानो हो कर्ज वापस करण में अना टे डिया बाकी हुआ, पर वो यहूदी टे डिया अग में ही अची बी रहो ए कर्ज वापस घुरे आई। एक दफा का वाकया है, एक दफा की बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदी काफिर ज़ैद बिन सानिया का कर्ज वापस करना था। कर्ज वापस करने में अभी 3 दिन बाकी थे, पर वो यहूदी जो था 3 दिन पहले ही आकर खड़ा हो गया और अपना कर्ज वापस मांगने लगा। इन्हीं यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे कुल्हे ता चादर लाए वरती, इन पार सगोरन जे पहरिया के जली सख्ती सा चयो था अब्दुल मुत्तलिब जो वाला कर्ज वडी कडे बा वापस न कंदो आहे। अच्छा फिर क्या हुआ, जब कर्ज वापस उसने मांगा तो उसने क्या किया, काफिर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे से वो चादर उतार दी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काली कमली अपने कांधे पर रखा करते थे, उस चादर को उतारा और आपको कॉलर से पकड़ा, जैसे कॉलर पकड़ के किसी को खींचते हैं ना अपनी तरफ, तो उसके उसने जो है गुस्ताख ने इतनी गुस्ताखी की कि उसने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉलर को पकड़ा और कहने लगा, सख्ती से कहने लगा गुस्से में कि अब्दुल मुतल्लब की औलाद जो है वो कर्ज लेकर कभी भी वापस नहीं करती है। अच्छा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा होते मौजूद हो, इन ही यहूदी के डर को दिनो इस सख्ती से जवाब दिनो पांच सकोरा हुए सब कुछ दिसंदा मुरखंदा रहा। इनका पोए हजरत उमर फारूक के चे उतर, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा भी उसी जगह मौजूद थे। उसने जब ये देखा ना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सख्ती से बात कर रहा है, तो उनको जो है गुस्सा आ गया, डरको का मतलब है गुस्सा, डांटने लगे और उन्होंने सख्ती से जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा ये सब कुछ देखते हो, और वो बड़ी आराम से जो है ना तसल्ली से मुस्कुराते रहे। और फिर हजरत उमर फारूक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर तोखे मूसा है हिंसा बेनमूने जो बर्ताव करण घुर्जे, तू मुखे चाहिए त कर्ज अदा करण घुर्जे ए इनके सिखारे आ त कर्ज सुठन लफ्जन में घुरण घुर्जे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। आपने उमर से कहा कि उमर तुम्हें जो है मुझसे और उससे दोनों से दूसरे नमूने से बात करनी चाहिए थी, तुम मुझे कहते कि कर्ज जो है लेते हैं तो किस तरह अदा करते हैं, और उससे कहते कि वो किस तरह कर्ज अगर किसी से लिया जाता है या दिया जाता है तो उसको अच्छे अल्फाज में जो है मांगा जाता है। अच्छा पांच सगोरन हजरत उमर के वधीक फरमाए होता वन इन जो कर्ज अदा कर ए रुगो वो पर केस वो बचे हूं ता यहूदी के असल कर्ज का हिक मण है पौना 4 सेर अनाज वधीक दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से ज्यादा ये फरमाया कि अब जाओ उसका कर्ज भी अदा करो और उससे कहो कि उस कर्ज से जो है ना उसको दोगुना दोगे, 1 सेर से ज्यादा 1 किलो से ज्यादा उसको जो है 2 किलो तक का अनाज उसको ज्यादा दोगे। वो इनकरे जो हजरत उमर यहूदी के डर का दिना हुआ, इसलिए दोगुना करके दोगे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए ये हुक्म दिया हजरत उमर से क्योंकि हजरत उमर फारूक ने जो है उस यहूदी को डांटा था, इसलिए आपने कहा कि जाइए और अब जो है उससे कर्ज वापस भी कर दीजिए और उससे ज्यादा दोगुना जो है उसको कर्ज वापस कीजिए। तो बेटा आपको इस सबक से ये नसीहत हासिल हो रही है कि हमारे साथ कोई अगर बुरा करता है तो आपको बुराई का बदला बुराई से नहीं देना है, आपको उसके बदले में अच्छा ही करनी है। जैसे कि आप लोग पिछली क्लासों में भी यही पढ़ते हुए आए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना बुरा सलूक किया गया, अरब के लोगों ने किस तरह मजालिम ढाए, पर आपने कभी भी उफ नहीं किया और हमेशा ही दरगुजर से काम लिया। तो बेटा आप अपने वालदैन से, अपने बड़ों से, अपनी टीचर से, अपने असातजा से बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आया करें
और कभी भी ये गलती नहीं करें कि सामने जवाब दे दिया या ये कर लिया वो कर लिया। बेटा आप लोग ने ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तालीम हासिल करने का ये मतलब होता है जब हम अच्छे जगह पढ़ रहे हैं, अच्छी जगह तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हम यही सीख रहे हैं कि हमें हमेशा दरगुजर से काम करना है और आला जर्फी का मुजाहरा करना है, बुरे के साथ बुरा नहीं बनना है। ठीक है, अब इसमें जो है बुक में आपको मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं, उसके मैं अल्फाज मैंने यहाँ लिखती हूँ और बाकी काम आप लोगों को मश्की सवालात पीडीएफ के जरिए मिल जाया करेगा और तमाम काम आप अपनी सिंधी की कॉपियों में करेंगे। अब मुश्किल अल्फाज में यहाँ लिख रही हूँ, वो मुश्किल अल्फाज नोट डाउन कर लीजिए। ये हैं आप लोगों के मुश्किल अल्फाज जिनके मैंने मायने भी लिख दिए। पैगाम आंधो पैगाम लेकर आए, बड़जी आया बनकर आए, कट्टर दुश्मन यानी जानी दुश्मन, कुल्हे कांधे, जहर विजी जहर डालकर, जो कि आपने सुना के गोश्त में डाल के जहर दे दिया था, मूर्खंदा रहा मुस्कुराते रहे, डर को दिनों डाटा, कढ़े बाप कभी भी। ठीक है, ये थे आपके मुश्किल अल्फाज जिनके अल्फाज मायने, और इसके बाद जो है आप लोग को तमाम काम पीडीएफ के जरिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा और तमाम काम अपनी कॉपी में करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखेंगे, एसओपीस पे अमल करेंगे और उधर उधर ध्यान देने के बजाय अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, तहां जी वड़ी मेहरबानी, पेंजो डाडो पेंजे प्यारन जो ख्याल रखो, ए हमेशा मुस्कुराइंदा ए हंसी मजाक कंदा रहो। अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी।